विराट के बघेली समाचार में हम स्वाति अपना पंचन के स्वागत करी थे। शुरुआत करी थे रीवा जिला से, जहां मऊगंज अस्पताल के लगे खड़ी बस में तेज गति से आए मोटरसाइकिल सवार पीछे से ठोकर मार दी, जेमा मोटरसाइकिल में सवार दुई लोग घायल हो गए हैं। बतावा जात है कि गौतम ट्रेवल्स के बस जौन रीवा से हनुमाना कई जात रही, जिसने मऊगंज अस्पताल के लगे पहुंची तब तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पीछे से आए के बस में ठोकर मार दी। मोटरसाइकिल सवार विजय पटेल पुत्र लालेंद्र पटेल और विकास पटेल पुत्र मोतीलाल पटेल दोनों निवासी पाड़र गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनका स्थानीय लोगन के द्वारा आनंद फानन में मऊगंज अस्पताल में भर्ती करावा गया है, जहां से हालत गंभीर होए पर संजय गांधी अस्पताल के खातिर रेफर कर दिन गया है। उल्टा पुल्टा नहीं, पहले इनके साथ में नहीं है, कहाँ बोल रहे हैं खबर रीवा से ही, जहां प्रशासन के द्वारा कंट्रोल रूम में सड़क सुरक्षा सप्ताह कार्यक्रम के आयोजन किएगा, जहां जिला कलेक्टर मनोज पुष्प, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, जिला पंचायत सीईओ स्वप्निल वानखेड़े और काफी संख्या में पुलिसकर्मी समाज सेवी मौजूद रहे। अपना पंचन का बताए दी कि सड़क दुर्घटना का रोके खातिर प्रशासन सतत प्रयास कर रहा है, साथ ही सड़क दुर्घटना में घायल होए वालेन का समय पर अस्पताल पहुंचावे और जागरूकता में सहयोग करे वालेन का पुरस्कृत कीनगा है। यह दौरान पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा लोगन से अपील की गई ही के मोटरसाइकिल चलावत समय हेलमेट और कार चलावत समय बेल्ट जरूर लगावे, साथ ही नशा के हालत में वाहन न चलावे की अपील की ही। जो समाज में अपराध करके समाज को भयभीत करने का प्रयास करते हैं और समाज में एक भय का माहौल पैदा करते हैं, लेकिन उन चैलेंजेस को हमारे पुलिस अधिकारियों ने काफी वीरता और हिम्मत अमली से पार करके समाज में शांति और अमन चैन स्थापित करने का प्रयास किया है। मैं ऐसे अधिकारियों को आमंत्रित करता हूं कि कृपया आएं और हमारे आगंतुकों के माध्यम से अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करने का कष्ट करें। इसी कड़ी में थाना कोतवाली क्षेत्र में और उसमें महत्वपूर्ण प्रकरण में सजा हुई है, कृपया आप भी अपना प्रमाण पत्र प्राप्त करें। इसी टीम के सदस्य के रूप में आरक्षक मुकेश यादव कोर्ट मुंशी, राज राम कुमार भास्कर कोर्ट मुंशी, आरक्षक रजनीश कुमार यादव कोर्ट मुहरी, आरक्षक आनंद अग्निहोत्री वारंट मुंशी ये थाना लाई गई। आदरणीय जो अभी आदरणीय शैलेंद्र जी ने जिन लोगों का नाम आमंत्रित किया है, कृपया शीघ्रता से और अपने प्रमाण पत्र ग्रहण करके कृपया अपना स्थान ग्रहण करते जाएंगे। सभी सम्मानित महानुभाव, बस मैं आप सबसे इस सड़क सुरक्षा सप्ताह के दौरान ये अपील करना चाहूंगा कि आप सबका सहयोग हो, हमको इसी तरह मिलता रहे जिससे कि हम रीवा जिले में एक्सीडेंट होने वाली डेथ को कम कर सके, और इसके लिए हमको लगातार प्रयास करने की आवश्यकता है और सतत रूप से हम लोग कोई ना कोई कार्यक्रम करते रहेंगे अवेयरनेस के लिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन के लिए, जिसमें आप सबका महत्वपूर्ण रोल रहेगा। मैं जिला प्रशासन को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि वो लोग हमारे साथ लगातार इस तरह से कलेक्टर साहब ने शुरुआत कराई है, बैठक हॉल में होकर बैठक उस जगह पर जाकर होगी जहाँ पर एक्सीडेंट सबसे अधिक होते हैं, तो उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। उसका काफी इम्पैक्ट आना शुरू हुआ है और मैं आशा करता हूँ सभी का सहयोग हमको इस तरह से मिलता रहेगा। धन्यवाद। लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन के निर्देशन में कर्मचारियों के द्वारा अपने मागन का लेके धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। संगठन के द्वारा अपने 13 सूत्री मागन का लेके विरोध प्रदर्शन करके ज्ञापन सौंपा गया है। मागन में संविदा लैब टेक्नीशियन के नियमितीकरण और लैब असिस्टेंट और ग्रेड पे के साथ नियमित पदन के संख्या बढ़ावे के अलाउंस और अतिरिक्त कार्य भत्ता, नॉन प्रैक्टिस अलाउंस, प्राइवेट प्रैक्टिस और बेसिक जांचन के साथ लैब चलावे के अनुमति की मांग की गई। आई दिखाई थे धरना प्रदर्शन के झलकी और सुनाई थे अपन मांग कल्ले के पदाधिकारी का कहीं नहीं। हम सब एक हैं, कर्मचारी एकता जिंदाबाद।
कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद कर्मचारी एकता, जिंदाबाद कर्मचारी एकता, जिंदाबाद कर्मचारी एकता, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये हमारी लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन प्रांताध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे मध्य प्रदेश के जितने नियमित लैब टेक्नीशियन हैं वो सब हड़ताल पे हैं। 13 सूत्री हम लोगों की मांग है। सबसे प्रमुख मांग हम लोगों के पदनाम परिवर्तन है, जिसमें हम लोगों को लैब टेक्नीशियन अभी जाना जाता है। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोगों को मेडिकल लैब टेक्नीशियन या टेक्निकल ऑफिसर जाना जाए। साथ में हम लोगों का ग्रेड पे ब्रह्मस्वरूप समिति में हर किस कर्मचारी का बढ़ाया गया, लेकिन हमारा 2800 ही बताया गया है, उसको 2800 की जगह हम लोग 4200 करना चाह रहे हैं। साथ में जितने संविदा कर्मचारी हैं उनको रेगुलर करने की हमारी डिमांड है, और लैब असिस्टेंट लैब अटेंडेंट जो है इनका भी ग्रेड पे बढ़ाया जाए, 2800 किया जाए, और लैब अटेंडेंट का 1900 से 2400 किया जाए। और जो आउटसोर्स भर्तियां हो रही हैं, बाहर से प्राइवेट कर्मचारी रखे जा रहे हैं कम वेतन में, उनको बंद करके शासन के द्वारा जो भर्तियां हो रही है नियमित लैब टेक्नीशियन की भर्ती की जाए। इन्हीं तमाम तरह की हम सब की डिमांड है। तो आज कई दिनों से हड़ताल का हम लोगों का 5वां दिन है, और इसमें पूरे प्रदेश के जितने पैथोलॉजी है, ब्लड बैंक है, वहाँ का सब काम प्रभावित है। हम लोग चाहते नहीं हैं कि काम बंद हो, चूँकि हम लोगों ने कोरोना काल में फ्रंट में रहकर हम लोगों ने काम किया है। लैब टेक्नीशियन ही एकमात्र ऐसा कर्मचारी है जो अपनी जान जोखिम में डालकर, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर अपनी जान जोखिम में डालकर मानव सेवा की है। तो हम सब की ये डिमांड है, और हम चाहते हैं आप सब के चैनल मीडिया बंधुओं के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहते हैं कि हम सबकी मांग जल्द से जल्द पूरी करें, ताकि हम अपने पदीय दायित्वों को निर्वहन करने के लिए वापस काम पर लौट सकें। मेरा नाम शिव शंकर तिवारी है, मैं लैब टेक्नीशियन एसोसिएशन का संभागाध्यक्ष हूँ रीवा डिवीजन का। ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है, 11 तारीख से शुरू है और 13 से शुरू है, और जब तक हम लोगों की मांग पूरी नहीं होगी तब तक ये चलती रहेगी। खबर रीवा जिला से ही, जहां घर से मोटरसाइकिल लई के लड़का धान ले खेती निकला रहा है, पर लौट के घरे नहीं पहुंचा। दूसरे दिन आज सड़क के किनारे मोटरसाइकिल और ओखर सब बरामद भा है। घटना की जानकारी पुलिस का दिन गए तब मौका में पहुंची पुलिस, सबका बरामद करके पोस्टमार्टम के खातिर अस्पताल पहुंचाई सी। लड़का के पहचान अखिलेश कोल टिकुरी अटरिया के रहे वाले के रूप में भई ही। बतावा जात है कि लड़का एक दिन पहले अपने घरे से भटगमा जाए खेती निकला रहा है, जेखर सब और मोटरसाइकिल सिमरिया थाना क्षेत्र के लटियार मोड़ में बरामद भई ही। माना जात है कि कौनौ वाहन से टकराए के बाद मौत भई ही। आई अपना पंचन का सुनाई था घटना के संबंध में सिमरिया थाना प्रभारी अभिषेक खरे का जानकारी दी ही। ये अखिलेश कोल हैं, पिता राम विश्वास कोल, निवासी टिकुरी अटरिया के हैं, सिमरिया थाना अंतर्गत। कल ये अपने घर से निकले थे भटगमा अपने रिश्तेदारी में, घर से ये बोलकर कि मैं गेहूँ धान लेने जा रहे हैं। फिर आज सुबह इनका एक्सीडेंट हो गया लटियार मोड़ के पास, तो घर वालों को सूचना दी, पुलिस मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। ये खुद से वहाँ जो बना है, मतलब मोड़ है लटियार मोड़, तो वह मोड़ के पास हुआ एक्सीडेंट, उसकी जाँच की जा रही है मर्ग कायम करके, जैसा भी होता तो बताया। जवा थाना के अंदर आवे वाले मदरो पंचायत सरपंच के लड़का के दबंगई सौहे आई ही, जहां आरोपी एक लड़का के गला पकड़ के गाली देत लाग है और मारत दिखात लाग है। पीड़ित धनंजय मांझी चिल्ला गांव के रहने वाला आया और मछली पाले खीतिर ग्राम पंचायत मदरो आवा रहा है। उन्होंने सरपंच के लड़का दबंगई के दम्मा पीड़ित का मार के उहन से भगाए दीस और मछली फेंक दीस, जौने से सगड़ी मछली मर गई, जेकर वीडियो अब सोशल मीडिया में खूब वायरल होत लाग है। वायरल वीडियो का देखे के बाद जवा थाना प्रभारी गीतांजलि सिंह सोमवंशी अपराध दर्ज कर दी ही और कार्यवाही शुरू कर दी ही। हेमचंद मांझी सर, क्या हुआ था? वहाँ गए थे बच्चा लेके सर, तो बच्चा जब लेके गए वहाँ, जब खड़े हुए तभी कुछ देर बाद आ गए लेके गाड़ी आपने, फिर सीधे बच्चा मेक धड़ कर दिलने लगे हमें, मार धर के बाद मछली हम ही तो मारे हैं सर। तो आप मछली लेके कहाँ जा रहे थे? मदरो गांव में, तालाब पालन का, वो तालाब में डालने के लिए, तालाब में डालने के लिए। फिर उसने दीपू सिंह आए ने, तो फिर पकड़ के मारने लगे हम ही को,
फिर इसके बाद आप कहाँ गए? हम फिर इसके बाद बगल हो गए, आ गए और दो चार दिन छोड़वाने आ गए। कंठा दादा हमारे आ गए थे, फिर आगे छोड़वा दिए, तो फिर दीपू सिंह भगा दिए वहाँ तालाब से। फिर इसकी शिकायत आपने कहीं की? हाँ, फिर यहाँ जबत चौकी थाने में की। खबर रीवा जनपद पंचायत के सिलपरा ग्राम पंचायत से ही, जहां के रहने वाले रवि प्रताप सिंह पंचायत के प्रतिनिधियन के साथ वहां रहने वाले लोगन पर आरोप लगाई थी कि रवि प्रताप सिंह बताएं कि उनखर जमीन रोड से लगी ही, पर उनखर रास्ता बंद करे खातिर MPRDC के सड़क के 85 पिलर खड़ा कई के पंचायत भवन बनावा जा रहा है। पीड़ित बताई इसके ओखे जमीन के रास्ता बंद करे के खातिर जितेश सिंह और रितेश सिंह साजिश कई के पंचायत भवन बनावे में मदद कर रहे हैं। पीड़ित या मामला के शिकायत जिला पंचायत CEO से लई के कलेक्टर तक की हिस पर कौनो सुनवाई नहीं भय। बताई दे कि विरोधी के द्वारा आनंद फानंद में ट्रैक्टर के द्वारा पिलर बनाए के काम करावा जा रहा। आई अपना पंचन का दिखाई थे घटना स्थल और सुनाई थे पीड़ित का फरियाद लगाई सी। रवि प्रताप सिंह, मामला यह है सर कि हमने सुबह पटवारी को बुलाया था कि यहाँ पे जो पंचायत भवन बन रहा है इसका निर्माण नक्शा कहाँ से पास हुआ है, जो कि हमारी ज़मीन 393 जिसका खसरा नंबर है। तो जो यहाँ पे पंचायत भवन का जो निर्माण हो रहा है, तो जो MPRDC की भी मतलब 85 के अंदर कोई भी निर्माण कार्य नहीं हो सकता है। तो इनके दो पिलर जो भी हैं, तो ये 85 में और हमारा कोई सुनने वाला है नहीं। जिसको भी बोलता हूँ, हम बाहर कहीं सिगरौली में मजदूरी काम करते हैं, तो इनका 393 हमारी जो कि लगी हुई ज़मीन है, तो उसको उसमें मतलब कि ये कहीं निकल ना पाएँ, जिसकी चौड़ाई करीब 6 है और लंबाई 148 है, तो उसमें ये लोग विवाद करना चाहते हैं। विवाद की स्थिति आती है तो ये लोग भी हमारे भाई साहब अकेले फंस जाते हैं, ये लोग मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। कोई भी हमको न कोई पिलर करने दिया जा रहा ना कुछ है, जबकि हमारा कोर्ट से डिग्री हो चुका है कि पारित कि मतलब आप डिग्री हमारे नाम से 25 हो चुकी है, सब कुछ हो चुका है। जब भी हो तो बोलते हैं कि हमारा मुकदमा चल रहा है। ये जितेश सिंह और रितेश सिंह ये दोनों हैं जो ये सब बोलते रहते हैं, और हमारे किसी तरह से इनका ये दुकान खोल लिया तो अपना कहीं निर्माण दिखाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, और वो पंचायत भवन का निर्माण में पूरा सहयोग ये कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी हो। और जो ट्रैक्टर के द्वारा यहाँ पर पिलर कराया गया, तो वो भी पिलर जो पंचायत का नियम हम मनरेगा के तहत काम होना चाहिए, तो उसका ट्रैक्टर से आनंद फानंद में, हम सिगरौली में रहते हैं, आनंद फानंद में उन्होंने उसको पिलर को करवा दिया, जिसका वीडियो हमारे पास प्रमाणित है, हमारे परिवार का बनाए हुए वीडियो है। तो उसको ये लोग मानने के लिए कोई तैयार नहीं होते हैं, ना तो हमारा कोई, हमने जिला पंचायत CEO को दिखाया, वो मानने के लिए तैयार नहीं हुए, और ना कोई मानता ना कोई सुनने वाला है। कहाँ शिकायत आपने के मामले की? हमने पहले ये लोग कब्जा करना चाहते थे, जितेश सिंह, रितेश सिंह, कमलेश सिंह वगैरह, तो इनके विरुद्ध हमने कलेक्टर साहब को एक एप्लीकेशन दिया था, तो उन्होंने 116 की कार्रवाई दोनों पार्टी की तरफ कर दिया। उसमें मतलब ना तो कोई देखने आया ना कुछ आया, और आज इसका पंचायत भवन का निर्माण कराया जा रहा है। शिक्षा विभाग की जमीन है, और इसका कहाँ से क्या है, और ये जो पिलर है तो MPRDC 85 के अंदर मतलब ये नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पर इतनी कम जमीन बचती है कि उसका निर्माण नहीं हो सकता है उसमें पंचायत भवन में। खबर रीवा जिला से ही, जहां JP नगर के गांधी चौक छिजवार चौराहा में नवस्था पुलिस चौकी प्रभारी मनोज गौतम अपने स्टाफ के साथ वाहनन के जांच पड़ताल के कार्यक्रम चलाई थी। ए दौरान मोटरसाइकिल में 3 सवारी बिना हेलमेट, बिना ड्राइवरी लाइसेंस और परिवहन नियमन के विरुद्ध गाड़ी चलावे वाले पर चालानी और जुर्माना की कार्यवाही की गई। यह दौरान 1750 जुर्माना की राशि जमा कराई गई। कार्यवाही के दौरान सगले द्विपहिया वाहन चालकन का हेलमेट आवश्यक रूप से लगाए के चलावे के हिदायत दई के जीवन का सुरक्षित रखे के हिदायत दीन गई। साथ है वाहनन में स्वीकृत सीट के अनुसार बैठावे और वाहनन से संबंधित सगले कागजात साथ साथ रखे, शराब के नशा में वाहन न चलावे के हिदायत दीन गई। आज खातिर इतने, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।